नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां पर अमेरिका के सिएटल में एक भारतीय मूल की छात्रा की मौत के बाद वहां की पुलिस उस पर हंसती हुई नजर आई है। इस लड़की का नाम जानवी कमडुला है, जो कि पुलिस पेट्रोल कार से टक्कर लगने के बाद इस लड़की की मौत हो जाती है। इसकी उम्र 23 साल बताई गई है। ये तब हुआ जब टक्कर लगने के बाद वो लड़की मर जाती है। तभी जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद था, उसके शरीर पर जो कैमरा अटैच था उसमें उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। उसमें वो ये बोलता है कि इस लड़की की लिमिटेड वैल्यू इतनी ही थी, यानी कि वो सिर्फ 23 साल की थी और वो इसके बाद इसकी मौत हो जाती, तो मतलब उसकी वैल्यू इतनी ही थी, वो अब तक ही जिंदा रह सकती थी। और फिर वो दूसरे अधिकारी के साथ हंसने लगता है, यानी कि उसकी मौत का उसने मजाक उड़ाया। इसके अलावा उस पुलिस अधिकारी ने ये भी कहा कि इसकी लिमिटेड वैल्यू है और $11,000 का चेक काटने से वो वैल्यू पूरी हो जाएगी। ऐसा इस पुलिस अधिकारी ने कहा। इसके बाद जो भारतीय मूल की छात्रा है, जिसका नाम जानवी बताया गया है, उसकी मौत पर इतना हंस जाने के बाद यहाँ भारतीय एम्बेसी जो वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है कि ऐसे किसी की मौत पर एक पुलिस अधिकारी कैसे हंस सकता है। उसकी आवाज़ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी कि कैसे एक पुलिस अधिकारी एक लड़की की मौत पर हंसने लगता है। और अब अगली खबर मेक्सिको से आई है, जहां पर मेक्सिको की संसद में एक अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिली है, जिसकी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। दरअसल संसद में एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान वहां पर एलियंस की लाश को दिखाया जाता है। लोगों में जो रुचि जो छुपी हुई है एलियंस को लेकर, UFO को लेकर, दूसरी दुनिया से कोई लोग आते हैं या नहीं है, इस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए इस संसद में एक एलियन की लाश को दिखाया गया है, जिसकी फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दावा किया गया है कि ये एलियन 1000 साल पुराना है, इसलिए इसको इस संसद में दिखाया गया है। इसके अलावा ये बताया गया है कि दोनों लाशें पेरू के कुस्को से बरामद की गई है। लोगों के अंदर जो इंटरेस्ट छुपा हुआ है UFO को लेकर, एलियंस को लेकर, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, तो इसके चलते इस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए संसद में इस एलियन की लाश को दिखाया गया है। और अब अगली खबर लीबिया से आई है, जहां पर बाढ़ के चलते काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों की इस बाढ़ के चलते मौत हो चुकी है। वहां के मंत्री का कहना है कि ये जो संख्या है अभी दोगुना होने जा रही है। वहां से 30,000 लोगों को हटा दिया गया है। आसपास के जो शहर में लोग बसे हुए थे, वहां से समुद्र के पास से उन्हें हटा दिया गया है। कम से कम आधा शहर इस बाढ़ में डूब चुका है। 5000 से भी ज़्यादा लोग इसमें मर चुके हैं। और वहाँ के मंत्री का कहना है कि अभी भी समुद्र उगल रहा है, वहाँ से लाशें अभी भी समुद्र से तट पर आती जा रही हैं और इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वहाँ के लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधी लीबिया से आई है, कि कैसे वहाँ पर बाढ़ का असर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। दरअसल बांध के टूट जाने से ये बाढ़ काफ़ी ज़्यादा इसने भयानक रूप ले लिया है। और अगली खबर ब्राज़ील से आई है, जहां पर एक हत्यारा डेनिलो, जो कि जेल से फरार हो चुका था, अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मिशन चलाया गया था, जहां पर पुलिस को हेलीकॉप्टर भी बुलवाना पड़ा, डॉग स्क्वाड भी बुलवाना पड़ा, कई फोर्स भी बुलवानी पड़ी इस एक हत्यारे को पकड़ने के लिए। दरअसल ये काउंटी जेल से भाग गया था, इसके ऊपर हत्या का आरोप था। इसके बाद इसने अमेरिका के घर में घुसकर वहां से राइफल भी चुराई अपने बचाव के लिए, लेकिन फिर अंत में इसे पकड़ा गया वो इस तरीके से कि जो डॉग स्क्वाड में एक डॉग था उसने इस आरोपी पर हमला किया। जब इसे गिरफ्तार किया गया था तो तब ये इसके माथे से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, इसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, इसे मामूली चोट आई थी, लेकिन इसको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और ज़िंदा पकड़ना पुलिस का मकसद था। तो इसके लिए पूरी टीम बुलाई गई थी, पूरा बल बुलाया गया था, हेलीकॉप्टर भी ऊपर से इस पर नज़र रख रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे फिलहाल पकड़ लिया। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हत्यारा बताया गया है। इसकर हत्याओं पर कई ज़्यादा आरोप लग चुके हैं और अब इसे पकड़ लिया गया है। और अब अगली खबर पाकिस्तान से आई है, जहां पर पाकिस्तान की एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने एक भारत में जो तस्करी कर रहे थे, ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे, इस ग्रुप का भंडाफोड़ कर दिया है और उसको पकड़ लिया है, जो इसके पीछे मास्टरमाइंड था। दरअसल ड्रग तस्करी नेटवर्क को कोई और नहीं बल्कि लाहौर पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स विंग के प्रमुख
मजहर इकबाल द्वारा संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों ने पाकिस्तान के डॉन अखबार को बताया कि मजहर इकबाल के नेतृत्व वाला नेटवर्क ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसके जरिए वो भारत में ड्रग्स भेज रहा था, विशेष रूप से हेरोइन की तस्करी करता था। मजहर इकबाल ने इस अवैध गतिविधि के जरिए काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए थे जो उसने अपने दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो सोचिए, एक वर्दी के पीछे जो इस सबको संभाल रहा था एक अधिकारी था, वही ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड निकला। ये हालत है पाकिस्तान की। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।